हेलो दोस्तों, साथ मैं चैनल ठाकुर फिटनेस में, और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करें जब भी हम लोग साइकिल छोड़ देते हैं उसके बाद में। और कई बार क्या होता है कि साइकिल छोड़ने के बाद में हम लोग टेस्टोस्टेरोन काफी समय तक आ नहीं पाता है, काफी समय तक लो रहता है, इसके बाद फटीग होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के ऊपर तो जितनी ही वीडियो की जाए कम है, या जितनी बड़ी वीडियो की जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें इसके ऊपर की जा सकती है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ कि आप कर सकते हो जिससे आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो। तो जो होता क्या, सबसे पहले एक बात ये जान लो, जैसे कि आपको बताया होगा बहुत लोगों ने, मैंने भी जैसे बताया होगा कि साइकिल छोड़ने के 2-3-4 हफ्ते तक आपकी बॉडी में रहता है वो कंपाउंड जो भी आप यदि लॉन्ग स्ट्रे यूज कर रहे हो, तो वो बात ठीक है। पर एक चीज देखी गई है, जो लोग काफी लॉन्ग टाइम तक साइकिल करते हैं उनके साथ, कि जब पूरी साइकिल निकलने का वेट करते हैं कि पूरा स्ट्रे क्लियर हो जाए हमारी बॉडी से, उसके बाद यदि वो सीजी यूज करते हैं, कई बार सीजी उतना इफेक्टिव नहीं होता। ये मैंने खुद के ऊपर देखा कि सीजी उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, सीजी उतना अच्छा काम नहीं कर पाता। फिर जब सीजी अच्छा नहीं काम कर पाता तो पीसीडी अच्छी नहीं हो पाती। तो इसलिए होना क्या चाहिए, जैसे आपने साइकिल की एक आदत भी हो गया आपके, ठीक है, अब पहली बात तो आपको सबसे चीजें में टेस्टोस्टेरोन ही लास्ट तक रखना चाहिए, बाकी चीजें छोड़ देनी चाहिए पहले। तो आप उसी पे जब आप हो तभी आप यूज करो, यदि आप टेस्टोस्टेरोन के ऊपर हो, मैं सपोज ये कर लेता हूँ, क्योंकि ये दूसरी में बातें करूंगा तो अदर चीजें हो जाएंगी उसमें, तो फिर दूसरा ही चीज अच्छी रहेगी। यदि आप टेस्टोस्टेरोन यूज करो, मैं उसके बाद बाकी चीजें बंद करता हूँ, उसको 1-2 हफ्ते एक्स्ट्रा तक यूज करो बाकी चीजें बंद करके, और वो 1-2 या 3 हफ्ते का एक्स्ट्रा ले जाओ लास्ट में टेस्टोस्टेरोन, और उस टाइम पे एसीजी यूज करो। उस टाइम पे जब टेस्टोस्टेरोन में एसीजी यूज करते हो तो जो आपके टेस्टिकल्स है वो ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक। यानी कि 1-2 हफ्ते में ही यूज कर लो उसको, 1-2 हफ्ते में ही, बीच बीच में दो दो चार चार दिन में उसका 1 500 IU या 1000 IU, उसको हर तीसरे दिन या हर दूसरे दिन आप यूज करो। जैसे कि 15 डेज हो गया, एग्जाम्पल में क्या था, या ये समझो कि 1 वीक हो गया, 1 वीक हो गया साइकिल ऑफ की, 1 वीक पहले आपने लास्ट शॉट लिया था तो आपने वहां पे सीजी लिया, और उसके बाद में 1 वीक के बाद आपने सीजी लिया, और यहाँ से सीजी लेना चालू हो गया। अब आप वहाँ पे 2 डेज या 3 डेज में एक बार सीजी ले रहे हो, थोड़ी डोज में ले रहे हो, 500 IU या 1000 IU, लेकिन ले रहे हो, उससे वो चीज तुरंत एक्टिवेट हो। अब उसके बाद में ऐसे थोड़ी थोड़ी डोज आपने ली, और जब 3 वीक्स हो गए, 4 वीक्स हो गए आपके, उसके बाद आपने अपनी डोज लेनी है, जिस जो भी डोज आपकी साइकिल के हिसाब से आपने साइकिल की हैवी की थी, तो उस पर डोज आपको सीजी की हैवी लेनी पड़ेगी। लाइक 2000 2500 IU आपको लेना पड़ेगा, हर दूसरे तीसरे दिन आपको लेना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी जो भी टीसी की वो आप करो, उसके साथ में आपने नोरवाडेक्स यूज करनी है, ठीक है, नोरवाडेक्स एंड टेमोक्सिफेन साइट्रेट यूज करनी है, और वो दोनों साथ में कंबाइंड चलाना है, या फिर बीच बीच में आप कोई एंटीस्ट्रोजन, छोटी सी एंटीस्ट्रोजन की भी डोज यूज कर सकते हो, लाइक 0.5 mg एनास्ट्राजोल इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ से जब आप जाते हो और ऐसे आप करते हो, फिर धीरे धीरे आप एसीजी की डोज कम करोगे। एसीजी जब आप डोज कम करते जाओगे, एसीजी की डोज 1 महीने तक लगभग लेना, और 1 महीने के बाद, 1 महीने या 1.5 महीने आप उसको बंद कर दो, आप उसको नोनोडेक्स को थोड़ा और कंटिन्यू करो, नोनोडेक्स को से स्विच करो क्लोमेट के ऊपर, या फिर नोनोडेक्स को ही कंटिन्यू भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लोमेट के ऊपर स्विच करें। और क्लोमेट के ऊपर जब स्विच कर दे, जब हम लोगों ने धीरे धीरे क्लोमेट बंद करना है, अब यहाँ पर आपको नेचुरल चीजें ऐड करनी है, लाइक अश्वगंधा ऐड करनी है आपको, शिलाजीत ऐड करनी है, ट्रिबुलस आपको ऐड करनी है, ये चीजें आपको ऐड करनी है। जब ये चीज जिसको गुच्छ रूप कहते हैं, एक मतलब शायद गुच्छरादि गुग्गल करके भी आता है कुछ, तो वो उसको बोलते हैं ट्रिबुलस टेस्ट जो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। तो इन चीजों का आप यूज करोगे, नेचुरल चीजें आप कंज्यूम करो, ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो बढ़े, ठीक। इस तरीके से आपको दूसरे काम क्या करते हैं, आपको स्लीप लेनी, और आपको एक चीज और करनी, आपको अपना बॉडी फैट परसेंटेज लो ही रखना है, लेकिन आपको थोड़ा सा फैट इंक्रीज करने होंगे, फैट इन द सेंस खाने में थोड़ा सा सैचुरेटेड फैट, थोड़ा सा अनसैचुरेटेड फैट, दोनों फैट थोड़ा सा इंक्रीज रखना है, हल्का सा। चाहे आप उसके लिए क्या करो कि कार्ब को कम कर दो थोड़ा, वो चीज चलेगी, लेकिन थोड़ा सा फैट इंक्रीज। होता क्या है कि फैट इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम लोग बात करें टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन की, तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट नहीं बल्कि फैट इंपॉर्टेंट, और वो फैट और खासकर सेचुरेटेड फैट वगैरह जो कि आपको सुनने में लगेगा, सेचुरेटेड फैट, हाँ सेचुरेटेड फैट और थोड़ा सा अनसेचुरेटेड फैट, दोनों ही फैट देखा जाए तो इम्पोर्टेंट होता है। ओमेगा 6 ओमेगा 3 दोनों ही चीजें इम्पोर्टेंट होती है बॉडी के लिए उस टाइम पे, साथ में उसके विटामिन D3 का यूज करो, यदि आप अब तक नहीं भी करते तो आप यूज करो, आपकी बॉडी में किसी तरीके से विटामिन D3 की कमी नहीं होनी चाहिए, और मल्टीविटामिन की भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो विटामिन D3 क्या करता है, और हो सके यदि पॉसिबल हो, अभी इतनी गर्मी में तो नहीं, लेकिन यदि आपने साइकिल ऐसी जगह आपकी वहाँ हल्की धूप होती है उस समय तो ठीक है, या सुबह के टाइम हल्की सी धूप लोगे आप तो क्या होगा उसमें, और धूप आप नहीं ले सकते हो, बिल्कुल बीमार हो, आप नहीं लेना चाहते हो, तो आप विटामिन D3 का यूज करो। विटामिन D3 का यूज कैसे करो, जैसे डॉक्टर बताते हैं उससे ज्यादा अमाउंट, यानी कि 1 सेशे आता है, जो 1 वीक में 1 सेशे यूज करना होता है, उसकी जगह 1 वीक में
टू शीशे कम से कम यूज करो, ठीक है, जो भी आप जिस भी तरीके से शीशे यूज कर रहे हो, टैबलेट यूज कर रहे हो, विटामिन डी की जो भी यूज कर रहे हो, तो उसको यानी कि वीक में दो बार यूज करना है। 60,000 आयु का एक आता है, वो चीज आप जब करोगे तो उससे क्या होगा कि विटामिन डी थ्री और आपका जो ये फैट है ये दोनों मिलकर हेल्प करते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में। ये प्रक्रिया है, टेस्टोस्टेरोन बनता है कोलेस्ट्रॉल से, यस टेस्टोस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ये हम लोग को समझनी होगी। तो वो कोलेस्ट्रॉल एंड विटामिन डी थ्री का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके बॉडी में LHFSH रिलीज करवाता है और वो बाद में टेस्टोस्टेरोन में आता है, ठीक। ये जो चीजें ये तरीका मैंने आपको बताया, ये सारा तरीका बहुत काम करेगा आपके लिए। होता क्या, जब आपके फैट कम रहता है उस टाइम पे आप ज्यादा ही टेस्टोस्टेरोन बना सकते हो, लेकिन जब आपका ज्यादा फैट रहेगा तो आप टेस्टोस्टेरोन कम बना पाओगे। यदि आपका फैट है बाई चांस ज्यादा, अब मानो सपोज को आपने बल्किंग के बाद ही खत्म किया, आपका थोड़ा फैट भी ज्यादा, क्या ही करो आप उस कंडीशन में, आप क्या कर सकते हो, जैसे बीच बीच में दो तीन दिन में एक बार नोवाडेक्स यूज कर ली, ठीक है, थोड़ी सी यूज कर लिया, 10 mg नोवाडेक्स यूज कर ली, तो उससे क्या होगा कि एस्ट्रोजन थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, आपका थोड़ा टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा। नहीं तो आप दूसरी चीज कर सकते हो, नोवाडेक्स के साथ एक समस्या ये है कि आईजीएफ1 को इंक्रीज नहीं होने देता, आईजीएफ1 को थोड़ा सा डिक्रीज करता है ना, तो परफॉर्मेंस थोड़ी आपके ग्रोथ थोड़ी सी रोकता है। उस वजह से आप क्या कर सकते हो कि जो एरोमेटिक्स होती है 1 mg की, तो 1 mg के नहीं, उस 1 mg की जो छोटी सी टैबलेट है उसके चार पार्ट करो, पहले उसका दो पार्ट करो, फिर उसके फिर से दो पार्ट करो, तो 0.25 mg में आ जाएगी। यदि आप ऐसे मिल रही है तो ठीक है, वैसे मिलती नहीं 1 mg के नीचे, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, उसके चार बराबर पार्ट करने, तो उसके एक पार्ट 0.25 mg का उसको आप लोग 3 से 4 दिन में एक बार, ठीक है, 3 से 4 दिन में आप एक बार लोगे, और जिस टाइम आप नोवाडेक्स वगैरह नहीं ले रहे हो उस टाइम की मैं बता देता हूँ, 3 से 4 दिन में एक बार 0.25 mg, ठीक है, वो लो आप, इतना आप यदि लोगे तो वो जो एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन है बॉडी का उसको वो सप्रेस करता है, एक्सेस एस्ट्रोजन सप्रेस होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा आपका, ठीक है। ऑलरेडी आपका जब टेस्टोस्टेरोन सप्रेस होता है तो आपका हमेशा ऐसा होता है, टेस्टोस्टेरोन सप्रेस होगा तो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, जब भी आपका एस्ट्रोजन सप्रेस होता है तो आपका क्या होता है टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, ये चीज होगी हमेशा, तो ये काम करना है। इस तरीके से यदि आप करोगे तो आपकी जो साइकिल है वो अच्छी जाएगी, और साइकिल आपके लोग पीसीटी फील हो जाती है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि मैं बहुत तरीके की पीसीटी होती है, मैं तुमको ये नहीं बता सकता अभी कितने तरीके की पीसीटी होती है, जितने तरीके की साइकिल होती है उतने तरीके की पीसीटी होती है। मैं इन्हें ये बताया कि अभी यदि आप टेस्टोस्टेरोन से यदि ऑफ कर रहे हो तो उसमें क्या पीसीटी होनी चाहिए, बहुत अलग तरीके की पीसीटीज होती है, तरीके की पीसीटीज होती है, तो जिस हिसाब से साइकिल होती है उस हिसाब से पीसीटी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ऑनलाइन यदि आप कोचिंग लेना चाहें तो जरूर लो, कम पैसे में ही मैं कोचिंग प्रोवाइड कराता हूँ, इसी प्रोवाइड करता हूँ ताकि सब लोगों को अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फर्टिलिटी के ऊपर भी बनाऊंगा, तो वो क्या आपको वो वीडियो भी बहुत फायदेमंद रहेगी आपके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।